गुरुजी, जब कमाटीपुरा में आप रहते थे अपने शुरुआती दिनों में, उस समय हुस्न और हसन की एक स्टोरी थी, क्या आज उस स्टोरी को सुने? कैसे ये कहानी शुरू हुई? आपने जो बताए हैं, जो कमाटीपुरा जो है जी, वो भी फ्लैटलैंड रोड में आता है, रेड लाइन एरिया में आता है जी। जो पहले गली बोलते हैं उसको, हम जहाँ रहते थे वो फ्लैकलैंड रोड कहते जिसको, फ्लैकलैंड रोड कौन सा गली कहते थे, कारवा गली, टमाटा गली, कौन सा गली, मतलब वहाँ सब जो गलियों का नाम था जी, जो वहाँ आवाज लगाते थे ऐसा कुछ बताया था आपने हमें कि खिड़कियों से बुलाते थे। सही बात है, अगर वहाँ मैंने उस एरिया में मैंने गई, चाहे मैं अपनी मर्जी से गई या मेरा किस्मत ले गई या और कोई बहला के फुसला के ले गई, मगर मैं वहाँ थी और वहाँ की जो भी जो एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें चाहे मैं इन्वॉल्व हूँ या ना हूँ, फिर भी मैं वहाँ रही। आपकी लाइफ का हिस्सा है गुरुजी, हिस्सा था जी। तो वहाँ जाने के बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा, तो मैं इस दुनिया में मैं अकेली तो नहीं हूँ जो इस प्रॉब्लम जो फेस कर रही है, यहाँ तो बहुत सारे जो मैं तो आधी और अधूरी लड़की थी जी, मैं आधी और अधूरी लड़की थी, तो यहाँ तो पूरे के पूरे जो जीवन जो लड़कियाँ हैं जो ये लोग सुखी नहीं हैं, तो मैं और आधी और अधूरी मैं कैसे सुखी रह सकती हूँ? तो ये वाला जो ये शब्द जो है, ये वर्ड्स जो हैं, मेरे मन में एक महसूस सुकून की महसूस दिलाए मुझे, मतलब अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करने का एक मौका दिया मुझे जी। तो लाइफ आपने वहाँ पे सेटल कर ली थी? हाँ जी, सेटल कर ली। जो आपने जो बता रहे हो तो ये आज की बात नहीं, ये 25 मतलब 27 साल पहले की बात है, 1995-1996 की बात है जी। उस जिस टाइम पे मतलब जैसे बस मैं छोटी छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी और एक टॉप पहनी हुई थी, उस टाइम पे एक नई फिल्म आया था उर्मिला मातोंडकर की जी, उर्मिला मातोंडकर के रंगीला फिल्म आया था जी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो उसमें एक गाना था, वो जैसे सस्ती है उसमें उसमें वो गाना है, याई रे जोर लगा के नाच रे, ये वाले गाने पे मुझे नाचना अच्छा लगता था, ऐसे ड्रेस पहन के, ऐसे स्कर्ट पहन के, ऐसे वो करना, मतलब उसकी जो हील्स, जो पेंसिल हील्स जो था, जो इतनी लंबी मैं पेंसिल हील पहना करती थी, तो कॉन्फिडेंस के साथ पहनती थी। तो वो पहन के मैंने अपना जहाँ खड़े होते थे, जो प्रोस्टिट्यूट एरिया था, जब उस खड़े होते थे उस एरिया से सामने एक होटल था जी, रीगल होटल। ओके। उस रीगल होटल में सबसे पहले सब तैयार होके आते, अच्छी तरह तैयार होके पहले चाय पीने जाते हैं, मतलब एड़ी लगाते हैं पहले जी। तो एड़ी लगाने गई मैंने, वही स्टाइल से अपना मैं यूं घुमा के, वो घुमा के, उर्मिला की तरह, उर्मिला की तरह मैंने अपने हिलते डुलते करते हुए गई जी। फिर बाद में वहां से एक अंग्रेज आ रहा था जी, अंग्रेज जो मुझे देखा, मुझे देखे बोले, वाओ बेबी यू आर लुकिंग सो सेक्सी, हाउ रियली, व्हाट्स योर स्वीट नेम डार्लिंग, Dear, what's your sweet name? Where are you from? You? How, baby? I'm from England. This is my name is this is Hasan. Okay. Yeah. एकदम वो अपनी हैंड आगे किए, हैंड आगे करके फिर बाद में उन्होंने शेक किए, मेरे हैंड शेक करके मैं, and this is Bindu. Wow, you're looking so gorgeous as well. Oh, ma'am, thank you so much. Have a one cup tea. Okay. एलिजाबेथ
मुझे एलिजाबेथ बनाए उन्होंने इंग्लैंड की, जो अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हो गई, जो ऐसा लगता है आपका चेहरा, मुझे पता नहीं उन्होंने कैसे बताए असन ने। तो फिर बाद में हम अपना चाय पिए, सब कुछ पिए, फिर उसके बाद हमारा ऐसी फ्रेंडशिप हुआ जी। फ्रेंडशिप मतलब वो मैंने बहुत बार उसको मैंने कोशिश की थी कि मैंने जो वो चाहता है तो आप ले सकते हो, बट ये बात ये सच है कि वो मेरा शरीर टच नहीं करता था, मेरे बॉडी का वो अंग्री नहीं था, मतलब वो बायोलॉजिकली वो नहीं चाह रहा था वो। मैं बोली आखिर ये मुझसे क्यों इतनी हर रोज आते थे। अच्छा। हर रोज मतलब जैसे हम 5:30-6 o'clock बिटवीन हम तैयार होके उस गली में हम खड़े होते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, उससे पहले वो आ जाता था। अच्छा। वो बिंदु तैयार हो जाए, पहले वेट करते थे। हाँ, वो मेरे से पहले आके खड़े होते थे, मैं तैयार होके आके नीचे, व्हाट आर यू डूइंग, यू व्हाई सिटिंग ऑन, आई बेबी आई एम वेटिंग फॉर यू। अरे वाह। और लॉन्ग टाइम आई बोले व्हाई फॉर यू वेटिंग फॉर मी, कम ऑन, but you not interest any thing in my body parts. No, I love only Bindu. I love your face and I love your speaking style English. I love your clearly, of course. Okay. You are clearly English and properly English, very very well. Wo kehne lage, maine bhi acha acha bole Let's go. Drink cup tea, of tea, coffee tea. जी. Today, I want to changing some changing. Okay. What about changing? You telling us, son. We are together go to beer bar. Beer bar. Yes. Beer drink. Oh, मैं बोली ना बाबा मुझे नहीं अब पीना है, मेरी दादी मारेगी मुझे. कुछ नहीं होता आज. Okay. Let's go. Don't worry you, okay? I can handle that. Let's go, pencil. फिर मैं चलेगी। फिर बाद में उसको मैंने छोटे-छोटे कपड़ा पहना अच्छा नहीं लगता था। वो पूछा तुम्हारे फेवरेट कलर क्या है? जी। मैं बोली मैं फेवरेट कलर मेरा पिंक एंड ब्लैक। तो वो आदमी ने दूसरे दिन क्या किया? पिंक टी-शर्ट्स कम से कम 8-10 डिजाइन वाले टी शर्ट सिर्फ पिंक के लिए आए और ब्लैक जीन्स लेके आए, ब्लैक कोट लेके आए, वो सब लेके आए और बिल्कुल ऐसे लेके आए जो बिल्कुल मेरा माप। बोले ओ मेरे मेजरमेंट्स, ओ यू नो माय मेजरमेंट्स डार्लिंग, वाओ यू नो आई कैन कैच योर मेजरमेंट्स विद माय हाइज, वाओ व्हाट अ ग्रेट यू। तो फिर ऐसे चलते चलते हमारा दोस्ती हुआ। तो एक दिन वो पूछा बिंदु एवरी डे एंड यू हैव मनी, हाउ मच मनी फ्रॉम एंड दिस एरिया, क्योंकि देखिए मैं ऐसा एवरी डे 5,000 मिनिमम, मतलब आपको देने होते थे कमा। हाँ, मतलब तुम कितने कमा लेते? हाँ, वो देखो यहाँ से आवे थे। हाँ। मैं बोली 5-6 हज़ार रुपए कमा लेती हूँ, 5,000 इनफ ना। अच्छा। तो मैं दूंगी आपको, आई पे यू 5,000 एवरी डे बट यू डोंट स्टैंडिंग हियर, आप यहाँ ना खड़े हो। मैं बोली हाँ, बहुत होता था उस टाइम पे। फिर मेरे मन में एक लालच सी आ गई, वही जो कहते ना भाई, मैंने अगर 10,000 रुपए कहते हैं 20,000 कहते हैं रोज देते। फिर बाद में मेरे मन में एक और एक आया जो अच्छा होता है, मंगल मुक्ति। हाँ। है जी, लालचखोर, एक तो गंदा खर रहे एक हम और ऊपर से और एक गंदे और विचार लेके अच्छा मन होता है। एक मन ओए एक मन हर इंसान के अंदर होता है, एक नेगेटिव भी होती है एक पॉजिटिव भी होती है। तो मैं बोला हाँ मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज में मुझे माफ कर दो, नहीं नहीं 5,000 ठीक है। मैं बोले 5,000, फिर वो एवरी डे सब दिन 5,000 रुपए देते थे मुझे, मैंने ले जाके मैं अपने गुरु को दे देती थी। तो वो सिर्फ मुझे ले जाके अपना बियर बार में ले जाना, तो वहाँ अपना दोनों पीना बैठ के,
फिर एक काम आया करता था, मतलब वहाँ अगर हम लोग बैठ के पीते थे दोनों, तो वहाँ मेरे सहेलियाँ आते थे, वहाँ की जो मेरे साथ रहती थी ना, जो आपके वर्कर होते थे, मतलब बहुत कम से कम उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मगर ताकि हमारा हाँ। समुदाय में कुछ लोग है ना, फिर उनको छेड़ेंगे, फिर कोई बात नहीं, मुझसे अगर सवाल पूछे तो मेरे तो मैं तो बदनाम तो है ही हूँ मैं, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है बदनाम होना, क्योंकि बदनाम जिस जो होता है वो उसी का ही नाम होता है, जो ऊपर वाला उसी को ही जानता है, ताकि समाज को अगर हम बदलाव लाने के लिए, हम बदनाम होने के लिए भी तैयार है, समाज को बदलाव लाना जरूरी है। तो वो सब आते थे, बोले बिंदु बिंदु, मतलब वो मांगते थे बीर, मुझे भी एक बीयर पिला दो जी। वो असर वाई वाई यू सिटिंग अविथ माय बिंदु, यू गेट अप प्लीज हसन, सी इज माय वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड, a name is that name, please don't abuse them, so please gali na do unko, what she want, yes, she want one beer, enough, yes, फिर उसको एक बियर दिला देती थी, फिर वो चले जाती थी, फिर दूसरी आती थी, तो फिर उसको भी दिला देती, वो अपने दे देता था, तो बहुत कुछ हुआ। फिर उस एक दिन, अच्छा इस सब के पीछे क्या लगा आपको कि हसन आपसे प्रेम करते थे? वाकई में वो मतलब उसका जो रियल जो है, बस अपना ले जाना, मुझे पिलाना, मुझे खिलाना, फिर खुश करना, फिर मतलब 6 बजे से लेके 11 बजे तक वो सिर्फ 5 घंटा उसके लिए देना, साथ चाहते थे बस मेरे, फिर बाद में मुझे अपने डेरे में छोड़ देते थे जहाँ हम लोग रहते थे, फिर वो अपने रूम में चले जाते। फिर बाद में तो वो एक दिन मेरा बारी था घर में काम करना। अब हमारा गुरुजी और बहुत सारे जो मेरे आसपास जो रहते थे वो कहते थे, मैंने बोली उनको प्लीज़ आज मेरा बारी है, मतलब खाना बनाना तो हमारा बड़े गुरुजी बनाते थे, दादी बनाती थी, तो बस हम लोगों को मसाले पीस के देना होता था, बर्तन धो के देना होता था, फिर सब्जी सब्जी छाटना होता था, वो सब होता था ना, तो वो सब काम करना थोड़ा टाइम हो गया, टाइम हो गया, तो मैंने उस दिन मैंने गए नहीं नीचे, लेट हो गए तो मैंने मसाला पीस रही थी, तो वो सीधा आ गए ऊपर, असल सीधा आ गए, आके फिर बाद में मुझे देखे, हाउ बिंदु व्हाट आई डूइंग यू, व्हाई यू सर्व इट, यू मैड, नो नो दिस इज माय होम वर्क, like and this all do work, okay. फिर बाद में मेरे गुरु अंदर से बाहर आई, उसको देखा, अच्छा यही है वो मेंटल, बोले तो मेंटल वो तो यही समझते हैं, यही है वो मेंटल, बोले तो hey what you say now, I'm mental, हाँ समझ गया, mental बोला ना इसलिए, नहीं हसन वो कह रहे, मुझे कह रहे, तो तुझे भी क्यों कह रहे, you want money, और तुमने बिंदु को क्यों काम करवा रहे हो, स्टैंड अप बिंदु, स्टैंड अप, गेट अप, आई पे मनी, यू वांट मनी, अच्छा झाटा इस वुमन, यू आर वेरी बैड, उसको कह रहे हो, बिल्ली आग वाली थी, उसको वेरी गुड, उसके कैट एज वुमन, यू आर वेरी बैड, यू वांट मनी, यू कैन टेक ओके, और 100 रुपए के डॉलर निकाल के यूं भर दिए मुझे, अच्छा। के ले यूं फेंक दिए, फिर बाद में मुझे तैयार होके मैं अपना नीचे गई, तो उसी दिन तो वहाँ की जो 2-3 लड़के कारवा गली के 2-3 लड़के, वाह बिंदु इंग्लिश वाला ही चाहिए क्या, इंडियन नहीं चाहिए क्या, इंग्लिश वाला ही चाहिए क्या, इंडियन नहीं चलेगा क्या, तो फिर बाद में वो समझ गए, वो सीधा रिवॉल्वर रखा था, रिवॉल्वर निकाल के यूं रख दिए कंधे, तो इतनी गंदी गाली दिए, मैं क्या बताऊँ, माँ के ऊपर, बहन के ऊपर गंदी गाली दे के उससे यूं रख दिया, आई किल यू, आई किक यू, अरे प्लीज आई हैव रिक्वेस्ट यू, आई हैव टू गिव द हैंड यू हसन, प्लीज रिलैक्स, ई हैव जोक विद अस, फिर बाद में बोले अम्मा तेरे साथ तो हम तो मजाक भी नहीं करेंगे, बाबा ले जा इसको, ले जा बोल के वो दौड़ गए, उन्होंने बोले गेट आउट, रन आउट, ले गए मुझे, फिर बाद में तो उस दिन मैंने वो मुझे एक ऐसा सिगार पिला दिया, उस दिन बियर पीते 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 हमने
एक सिगरेट पी रहा था, तो मैं बोली मैंने भी अपने नशे में मैंने बोली मैं भी दो दम मारूंगी, तो लेके मैं सिगार पी ली। वो ऐसा सिगार था वो पता नहीं मुझे कहाँ ले जाके छोड़ दिया, मैं पता नहीं कहाँ सातवीं आसमान पर उड़ रही हूँ, इतना चेंजेस चेंजेस नजर आ रही हूँ, सब चेंजेस नजर आ रहे। तो फिर बाद में एक दिन वो हो गया, तो उसके बाद फिर दूसरे दिन दूसरे दिन मैंने अपने आप को मैंने ठान ली, बोले ये तो मुझे ले जाता है और बियर पिलाता है और 5-6 घंटा मेरे साथ बात करता है, जो मर्जी पहनने के लिए देता है और घड़ी ला के देता, ऐसा घड़ी ला के दिया था मुझे एक टाइम पे, मतलब जैसे गिफ्ट ला के दिया था, उस टाइम का ये 18,500 का घड़ी था, वो टाइटान का, जैसे जैसे हम कपड़ा पहनेंगे ऐसे फ्रेम लगाना होता था। अच्छा। हाँ रोलर रोलर रोल मैचिंग मैचिंग वाला ऐसे सब ला के दिए थे। फिर बाद में तो मैंने उस दिन मैंने अपने अंदर में पूछ लूंगी, मतलब मंगलमुखी का और बिंदु का तो झगड़ा शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गया, ये क्यों आते हैं, ये क्या चाहता है, तो पूछ के तो देख। मंगलमुखी कहने लगी, तो बिंदु कहने लगी बाबा मैंने पूछूंगी, वो तो फिर और गुस्सा होता है, क्योंकि जब सिगार पी लिए थे ना बिंदु ने, तो उसको डर पैदा हो रहा था अंदर 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 अंदर, डर डर सी हो रही थी। फिर एक बार तो पूछ ही ली, मतलब आप क्या चाहती हो, व्हाट डू यू वांट, हसन यू लव मी, यू लव विद माय सोल, या यू लव विद माय बॉडी, यू वांट विद माय बॉडी या यू वांट विद माय सोल, नो नो बेबी आई वांट लव टू लव विद योर सोल, आई योर स्पीक एंड आई योर नेचर एंड योर बॉडी लैंग्वेज, everything is inspiring, बहुत अच्छी बात है, inspire me really, है ना। फिर I'm asking one question, what question, please tell me Hasan, tell me, but are you ready, आप तैयार हो सुनने के लिए। मैं बोला हाँ मैं तैयार हूँ, ये मेरी wife है इंग्लैंड में जी, वो है व्हील चेयर में बैठे रहती हैं, उनकी दोनों पैर टांगे काम नहीं करती हैं, और मेरा दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनकी देखभाल के लिए मैं एक इंडियन जो प्योर वुमेन चाहता हूँ कि ले जाऊँ मैं साथ में, मैं ले जाके मैं उनका देखभाल के लिए रख परिवार बनाना चाहता था, परिवार बनाना। तब मैंने बताई मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, तुम्हारे वीजा सब पासपोर्ट सब तैयार कर दूंगा, मैंने बताए बट मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि बायोलॉजिकली जैसे आप हो ऐसे मैं भी हूँ, पर सर्जरी नहीं हुआ था ना, मेल तो जा सकते थे आप, ऐसे मेल तो जा सकते, मेल तो जा सकते, बट उस टाइम के 1990 और 1980 और 1999 टिल लोगों की सोच और विचार बहुत ही अलग था जी। अगर तुम अभी 2022 और काफी फर्क आया, कानून आने के बाद काफी टेक्निक आगे बढ़ गया ना, जब से लोगों का सोच विचार भी उसमें मैच हो गया, तब उस टाइम पे मैंने बोली नहीं मैं नहीं अपना नहीं आ पाऊंगा, बोले आई नो एवरीथिंग, जो बायोलॉजिकल योर ऑर्गन्स आई नो, ओके ये समझते थे वो, हां ऑफ कोर्स कहते वो मैं उसका सर्जरी करवा के तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह एक ब्यूटीफुल फीमेल बना के मैं ले जाऊंगा अपने साथ रखूंगा, फिर तो बहुत बढ़िया थी बात, ले तुम्हारे पहले आपकी मम्मी डैडी के पास ले जाऊंगा, फिर उसके साथ साथ अपनी पूरे परिवार से मिलाऊंगा, उनको भी पैसे दूंगा और 10 साल में 5 साल में 4 साल में मैं खुद लेके आऊंगा, तो मैं यहाँ ले आके फिर मिलवा के जाऊंगा। तो ये वाले मैंने अपना वो बता दिए रात को, तो मैंने रात को आके मैंने नशे में थी सबको बता दी मैं ऐसे जा रही हूँ ऐसे जा रही हूँ ऐसे जा रही हूँ। फिर उसके बाद हमारी गुरु जो और दो तीन गुरु उन्होंने सबने क्या कह दिए कि मुझे सर्जरी के लिए भेज दिए, वो नहीं चाहते थे कि आपका नहीं इंग्लैंड में जाए बोल के वो नहीं चाहते थे, पर नुकसान तो कुछ नहीं था उनका, इसमें नुकसान तो कुछ भी नहीं था, मतलब जैसे अगर देखिए मैंने अगर
मेरी दादी जो नानी थी मोती नानी, उनका जो भी जो देखभाल जो था, जैसे वो आपके पास ही था, मैं उनका पैर पैर में चूहा काट दिया था तो उस पैरों को मैंने साफ करके बिल्कुल डेटॉल से बिल्कुल ऐसी बैक्टीरिया नहीं जाना ऐसी सफाई करके उनकी बैंडेज करना और उनकी गोली देना, उनकी मैं चाहे कमा के दू या ना दू वो इम्पोर्टेंट नहीं था, उनको बेडपान में देती थी, बेडपान मतलब बेड पे सब कुछ, बेड सो रहा था वो जाते तो सब कुछ मैं ही सेवा करती थी, मैं क्योंकि मैं अपना पेरेंट्स समझती थी, मैंने कभी गंदगी महसूस नहीं करी, मैं सब कुछ करती थी, तो उनको सबको ऐसा लगा हमें छोड़ के काजल मतलब बिंदु चले जाएगी, तो फिर उन्होंने मुझे इसी बहाने पे मुझे सर्जरी के लिए भेज दिए। आप चली कैसे गए फिर जानते हुए भी? मुझे नहीं पता था कि मैं सर्जरी पे जा रही हूँ, बोले बिंदु ये जो अम्मा आया है इन अम्मा के पीछे पीछे चले जाना, ले ये गठड़ी ले जा। अच्छा। तो वहाँ ये गट को पर में जा रही है, वहाँ जाके ले दे के बेटा वापस आ जा। अच्छा, वो वापस कहाँ छोड़ने वाली थी अम्मा, अम्मा के पास तो बड़ी टीम था वहाँ, तो फिर वो लेके चले गए, फिर बाद में मुझे एक रूम में बंद कर दिए। तो बंद करने के बाद में फिर उन्होंने अब दाई माँ बोले तुम्हें तो हमें यहाँ कैस्ट्रेशन के लिए लाए हैं, निर्वाण के लिए। तब मैंने बोली मैं तो तैयार नहीं हूँ। फिर बाद में उन्होंने 3 दिन मुझे बाहर नहीं छोड़े, 3 दिन के अंदर तुम तैयार करो डिस्कस करो, फिर बाद में मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ा, क्योंकि आखिर मैं चाहती थी ये उनका कोई जबरदस्ती नहीं था, ना हमारा गुरुओं का ना उनका किन्नरों का किसी का जबरदस्ती नहीं था, जो हर किन्नर का यही इच्छा होता है कि जो वो बायोलॉजिकली जैसे ऑर्गन्स जो होता है वो जो अनवांटेड होता है वो रख के फायदा क्या है, जब हमें कोई यूरिन पास करना है या कुछ करना है तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है वो रख के, तो अच्छी बात गुरु जी वो तो अनसेफ था ना, दाई माँ को तो सेफ नहीं होता है, तो दाई माँ का जान का खतरा होता है उसमें, तो वो तो खतरा था, मगर अपने आप को हमने कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और अपने आप पे हिम्मत लेना पड़ता है, क्योंकि वो एक दाई माँ का अगर बोलेंगे ना तो एक एक सच्चा मन आती है उसके अंदर, एक सच्ची ताकत आती है, एक माता रानी जो है उनके आशीर्वाद होती है, हमारा बहुत सारा माता वाकई में बहुत सारा माता का जो है आशीर्वाद होती है इसमें, मगर देखिए अगर उस जगह में अगर कोई लात मारता है या कोई चोट पहुँचता है तो इंसान मर जाता है, मगर फिर भी आपको तो काट ही दिया। हाँ हाँ वही तो यही हुआ है, ये एक टेक्निक को भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज वाकई में, मगर मैं तैयार थी, इसमें किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं था, कि जब भी एक माता का बेटा बन सकते हैं जैसे उस दौरान फिर अपना करवा के तो एक हफ्ते 7 दिन बाद फिर बाद में मुझे वापस लेके आए। हसन का कैसा हाल हुआ होगा? हसन तो पागल होके फिर रहते वेर इज बिंदु वेर इज माय बिंदु वेर इज माय बिंदु, जो बहुत सुंदर सुंदर किन्नर कोशिश किए कि उसको अपनी तरफ खींचने के लिए अट्रैक्ट करने के मन लिए नहीं मिला होगा, तो ओनली ओनली बिंदु आई लव ओनली बिंदु आई लव ओनली बिंदु। फिर बाद में बहुत कोशिश किए, फिर बाद में मैंने आके अपना वहाँ पढ़ी थी उसी कमरे में, तो उसको कोई बता दिए कि ऐसे ऐसे बिंदु को उस कमरे में रख के जाता। अच्छा, तो उसको पता लग गया तो वो जाके पुलिस को लेके गया। अच्छा, हाँ जी, पहले तो पुलिस को जाके कंप्लेंट दिए होंगे, तो अच्छा हुआ कि पुलिस ने बाहर ही खड़े थे। ओके। तो उसके बाद तो वो खुद आया देखने के लिए मुझे अंदर, खुद आए तो तब फिर बाद में मुझे पहले काउंसलिंग करवा दिए थे, मैं अच्छी तरह मैं बाकायदा समझती थी, मैं कुछ चाहती थी कि कोई भकेड़ा ना खड़े करे, डेरे की बदनामी ना हो, और मेरी वजह से मेरे अपनी इस निर्वाण की वजह से या और कोई किन्नर को परेशान ना हो, इसके लिए मैंने अपनी चेहरा बिल्कुल चेंज कर दी, मैंने अपने आप को मैंने हाइस मैंने टेढ़े मेढ़े कर लिए करके अपनी करके खड़ी हो गई मैं सो गई, तो फिर बाद में वो आके देखा नो नो दिस इज नॉट माय थिंग, वैसे भी उस समय कमजोर हो गए होंगे आप, बहुत बहुत कमजोर हो गया है, वो शी इज वेरी वेरी फीवर फील फीमेल इस पे मैं स्लीप हियर, मतलब कौन औरत सो रही है, नहीं ये नहीं मेरे बिंदु को लेके चले गए, फिर बाद में अपने जो उसकी बात मैंने उसका दिल मैंने थोड़ी हूँ
मगर वो कहीं भी रहे अच्छा रहे, दिल से दुआ देती है मन, मगर उसकी बात कहते हैं तो और कोई तुम्हारा कोई संगाती, कोई प्यार करने वाला कोई है? ये सब अपने जीवन में ऐसा एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे कोई आते गए कोई जाते गए, मगर कोई मेरे दिल का दरवाज़ा, मतलब जैसे मेरे दिल के दरवाजे जो है सबके लिए खुला है। नहीं, हसन का तो स्थान अलग ही रहेगा ना? अलग ही रहे, वो तो अलग ही रहेगा। जुनूनी भी था आपके लिए, पागल भी था, सब कुछ था, मगर देखिए कहीं ना कहीं आप भी उनको चाहने लगे थे, चाहने लगे करते थे उनकी। अगर मैं उसके साथ चले जाती, मैं मानती हूँ उनकी वाइफ का भी, उनके बच्चों का भी, सबके रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी मैं लेती हूँ, अच्छे दिल से मैं सेवा भी करती हूँ, माँ बन के जैसी एक अफेक्शन फील या पिटी फील बन के मैं अपना उनका सेवा भी करती, मगर यहाँ जो मंगलमुखी बन के बैठी हूँ आज, ये नहीं बन सकती थी ना, ये कुदरत को मंजूर नहीं था, है ना? जो कुदरत को मंजूर है वो वही होता है। मुझे लगता है आज मुझे सोच के जो नेचर जो है, जो नेचर ही मुझे रोक दिया, जाने नहीं दिया, तो मंगलमुखी बनेगी। देखी वही कहते ना, राजू से वही बिंदु, है वही जो राम रचे रखा। हाँ वही तो, राजू से बिंदु, बिंदु से काजल, काजल से मंगलमुखी, कितने सफर है। गुरुजी उस समय हसन आपकी ज़िंदगी से एकदम ऐसे चले गए, आपने अपना रूप बदल लिया, दुख तो हुआ होगा आपको, कभी ना कभी आपने चाहा होगा कि उनसे लास्ट एक बार बात हो जाती। चलिए अगर कभी हसन ये प्रोग्राम देखें या उनके बच्चे देखें तो उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? पहले हसन के लिए। अच्छा, हसन के लिए है कि रियली हसन, जो तुम्हारा और मेरा जो मिलन था, आप अच्छी तरह जानते हो कैसा था वो मिलन, वो मिलन जो एक इंसानियत के नाते थे, और इंसानियत के नाते एक आपने मुझे समझे और मैं आपको समझी थी, मगर जो आप जो चाहते थे वो कुदरत को मंजूर नहीं था, और मैं अपने जीवन, वो मेरा खुद का जीवन नहीं था, क्योंकि मैं एक जंजीरों से जकड़ी हुई एक पिंजरे में बंद थी, और किसी का जीवन था, इसमें मेरा कोई हक नहीं था, इसके लिए मुझे उन्हीं की बात मानना पड़ा। अगर मेरे इस बात से या इस चाहे आप धोखा समझो, चाहे आप इसको कुछ भी समझो हसन, मगर मैं आपको दिल से दुआ दूंगी, मैं आज भी मैं महसूस करती हूँ आपको मैंने धोखा दिया, मगर मैं मजबूर थी, क्योंकि मैं हमारी कम्युनिटी के साथ मुझे रहना था, इसीलिए मैं अपना आपको आधे रास्ते में बीच में छोड़ दी मैं आपको, और मैं प्रेयर करूंगी और आपको ब्लेसिंग्स भी दूंगी, मैं मंगलमुखी हूं अभी, आप और आपकी फैमिली हमेशा अच्छा हो, हेल्दी हो और वेल्दी हो, और सब कुछ आप जैसा सोचते हो ऐसे भी ना, बहुत कुछ अच्छा लगा, और आप सबको, मेरे भारतवासियों को और मेरे भाई बहनों को और मेरे सच्चे मित्रों को, आप सबको कैसा लगा काजल मंगलमुखी का ये एक प्रेम कथा ही समझ लो, मगर आज आप सबकी काजल मंगलमुखी आप सबको ही चाहती है, ये जो दिल है जो एक के लिए नहीं है, ये हजारों के लिए है, मंगलमुखी का दिल धड़कता है, करोड़ों के लिए है, जो लखों के लिए है, जो इंसानियत को साथ लेके चलता है ना। नमस्कार।